काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ दीप नया काल। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। लगता है ये समय अभी भी वहीं के वहीं ठिठका हुआ है, समय के चट्टान पर जमे हुए जिद्दी शैवाल की तरह, जो न हटने का नाम लेता है और न मिटने का। यकीन नहीं होता कि एक साल गुजर गया है इस दृश्य के, जब प्रधानमंत्री विलाप कर उठे थे, सबसे सक रहे थे, मृत्यु जिंदगी से बड़ी हो गई थी, लेकिन अटल जी के व्यक्तित्व से नहीं। कभी सोचा ही नहीं था देश की राजनीति ने कि एक दिन उसे अटल जी के बगैर आगे बढ़ना होगा। राजनीति जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं, मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। ये यूं ही नहीं था कि जब अटल जी की यादों की श्रद्धांजलि की सभा बुलाई गई, तो दलों का दलदल लांग कर हर कोई खींचा चलाया था। जो दोस्त थे वो भी, जो शिष्य थे वो भी, जो विरोधी थे वो भी, लेकिन सबके सुर एक ही थे कि राजनीति को मर्यादा की अटल ऊंचाइयों पर ले गए वाजपेयी जी। पल पल को जिसने जी करके जिंदगी को संवारा, सजाया और जन सामान्य के लिए खपा दिया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। 10 साल से अटल जी सक्रिय राजनीति से दूर, तमाम बीमारियों से दो दो हाथ कर रहे थे। मौत को भी शायद उन पर सीधा वार करने में डर लगता था, इसलिए बीमारियों को भेजा। लेकिन जब दुनिया को अलविदा कहा, तो जमाना शिद्दत के साथ खड़ा हो गया, ऐसे कैसे अभी चले गए वाजपेयी। 10 साल तक एक गुमनाम अवस्था की जिंदगी के बाद उस व्यक्ति की विदाई को जिस प्रकार से देश ने श्रद्धा दी, जो सम्मान दिया, शायद ही कोई ऐसी घटना की कल्पना भी कर सकता है कि 10 साल के इतने बड़े अंतराल के बाद भी लोगों के दिलों पे इसी प्रकार से छाए रहना। आज उनकी समाधि भारतीय राजनीति का एक पवित्र स्मारक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पहली पुण्यतिथि पर फूल चढ़ाया है। वो ऐसा पल था जब एक रिश्ता भावनाओं के भवसागर में हिलोरे ले रहा था। अटल जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद भावुक नाता है। राजधर्म राजा के लिए, शासक के लिए, प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। अटल जी के मृत्यु पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनके सिर से मानो पिता का साया उठ गया है। उस शख्सियत के अटल व्यक्तित्व को याद करके मोदी शोक में भी थे, अभिभूत भी थे। वे नाम से ही अटल थे ऐसा नहीं, उनके व्यवहार में भी रग रग में वो अटल भाव नजर आता है। अटल जी के साथ जिसने भी काम किया, जिसने भी उनका विरोध किया, जब सभी एक मंच पर चढ़े, तो अतीत की यादों में बेहतर भविष्य की आहट भी सुनाई पड़ी। इरादे जिनके हों पुख्ता, यकीन जिनका उस पर हो,
तलाकम खैज मौजू से वो घबराया नहीं कर। वो अटल तरीके से चलते हैं और कहते हैं ये देश तेरा भी है मेरा भी है, ये देश हम सबका है। मेरे साथ एक नारा दीजिए और हाथ उठा के नारा दीजिए, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद।